एक समय की बात है, महेश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में किसान था। उसकी अपनी काफी बड़ी जमीन थी। उसकी पत्नी सरला घर पर रहकर अपनी बेटियों का ख्याल रखती थी। प्रज्ञा और प्रीता उनकी दो जुड़वा बेटियां थी। हालांकि दोनों एक दूसरे से चिपकी तो नहीं थी, लेकिन दिखाई देने में दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। एक की तबीयत खराब होती थी तो दूसरी को भी दवाई की जरूरत पड़ती थी। दोनों साथ सोते थे, कहीं बाहर जाते तो दोनों को साथ देखा जाता था और दोनों को भूख भी साथ ही लगती थी। पर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। प्रज्ञा चाहती थी कि वो अच्छे से पढ़ाई करके जल्द ही एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाए। वहीं प्रीता अक्सर दूसरों के घर में मेकअप करने जाती थी और वो चाहती थी कि वो जल्द ही अपनी पर्सनल लाइफ सेटल कर ले और शादी के बाद सिर्फ अपना घर ही संभाले। इसलिए अक्सर दोनों के बीच कानासुनी भी हो जाती थी। कुछ दिनों बाद प्रज्ञा को सरकारी जॉब मिल जाती है, लेकिन प्रीता ने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब दोनों काफी बड़ी हो चुकी थी। सरला और महेश ने अब दोनों के लिए लड़का ढूंढना भी शुरू कर दिया था। तभी उनके घर में अभी और करण नाम के दो लड़कों का रिश्ता आता है। जब उन्हें पता चलता है कि प्रज्ञा सरकारी जॉब करती है और प्रीता ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, तो प्रज्ञा के साथ अभी का रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन करण प्रीता के साथ शादी करने से इनकार कर देता है। तभी प्रीता को एहसास होता है कि शायद अगर आज वो अपनी बहन की तरह अपने पैर में खड़ी होती तो शायद उससे शादी करने के लिए कोई भी इनकार नहीं करता। अपनी इस गलती का खूब पछतावा करती है। तभी उसकी जुड़वा बहन प्रज्ञा उससे कहती है कि दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट था इसलिए मैं उस फील्ड में कामयाब हो चुकी हूँ। हर एक शख्स में कोई ना कोई काबिलियत जरूर होती है और तुम्हारे अंदर भी है। तुम दूसरों का मेकअप बेहद अच्छे से करती हो और अगर तुम चाहो तो तुम इस फील्ड में अपना खूब नाम रोशन कर सकती हो। तभी प्रीता अपनी बहन की बात मानती है और जल्द ही अपने गांव में अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। उसका ये ब्यूटी पार्लर खूब पॉपुलर हो चुका था। दूर दूर से गर्ल्स एंड बॉयज सभी प्रीता के मेकअप को खूब पसंद करते थे और इसलिए प्रीता काफी पॉपुलर हो चुकी थी। तभी करण, जिससे प्रीता का रिश्ता टूटा था, प्रीता की इस कामयाबी को देखते हुए एक बार फिर अपने परिवार को लेकर उसके घर जाता है और प्रीता के माँ बाप से प्रीता का हाथ मांगता है। प्रीता इस बात से बहुत खुश होती है और वो तुरंत ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब प्रीता और प्रज्ञा दोनों जुड़वा बहनों का रिश्ता तय हो चुका था। इस बात से महेश और सरला दोनों बहुत खुश थे। तभी वो दोनों बेटियों की शादी साथ करवाने का फैसला लेते हैं और उनकी दोनों ही जुड़वा बेटियां अभी और करण से शादी करके अपनी पर्सनल लाइफ भी सेटल कर लेती हैं। तो दोस्तों, कामयाबी आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।